अरे किरण मई पतिवरता के गुण में खोल सुनाओ सारे और जितने गुण त्रिया में चाहिए सुन लियो न्यारे न्यारे जितने गुण त्रिया में चाहिए सब सुन लियो न्यारे न्यारे न्यारे। और हमारे जो बीच में भाई दादाजी बैठे हैं, वैसे तो अभी पब्लिक इतनी इकट्ठा हुई नहीं है, लेकिन जो बीच में गोल घेरा भी बना रखा है, पब्लिक वहाँ दिखाई भी दे रही, लेकिन वहाँ बातचीत चल रही है। और जब श्रोता ही आपस में बातें करते रहेंगे तो कलाकार रागनियां किसको सुनाएंगे? दादाजी जरा बातों पे कम गौर रखो, रागनी पे ज्यादा गौर रखो, वरना मेरा दिल टूट जाएगा, मेरा हौसला घट जाएगा। अच्छा। पहली कली में सुनिए क्या बताया। हे रे पहला गुण साजन की सेवा, पहला गुण साजन की सेवा, राम समझ के करती हो सास ससुर की टहल रात दिन, धाम समझ के करती हो अपना कर्तव्य नेम टेम, आराम समझ के करती हो भजन राम का सुबह शाम नित, काम समझ के करती हो सागर से पार हुई रे, अब सागर से पार हुई आदरणीय पिता तुल्य जो कि रजोकरी दिल्ली से चल के पूरी टीम, हमारे बाबूजी श्री हरि यादव जी, हमारे बाबूजी श्री स्वराज सिंह यादव जी और उनके साथ जो पूरी टीम गांव रजोकरी दिल्ली से चल के यहां पहुंची है, मैं पूरे गांव बस्ती की तरफ से अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक मैं जोरदार तालियों से स्वागत आप सबकी तरफ से भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे सरपंच भाई लखन सिंह सरपंच साहब, वर्तमान सरपंच सिकोपुर पंचायत हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हमारे मेंबर साहब बैठे हुए हैं, सभी का हमारे पंडित जी आए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है।
पड़ोस में भी किसी के घर चले जाओ और खा के आ जाओ। हर किसी के यहाँ दो आदमियों का खाना फालतू ही रखा रहता था, कभी किसी के यहाँ सुबह शाम पहुंच जाओ। आदर मान सम्मान खाना पीना सब कुछ होता था, लेकिन आज के समय में आज की औरतें जो सच्चाई है, घर में अगर 10 सदस्य है ना, 5 है और वो दो दो रोटी खाते हैं तो बस 10 ही बनाएगी, 11 रोटी नहीं बना सकती। एक आदमी का फालतू खाना कोई नहीं बनाता आजकल। पहले कोई भीख मांगने भिखारी, कोई गरीब दरवाजे पे आता था तो कोई खाली हाथों से नहीं जाने देता था, लेकिन आजकल उसे देंगे तो कुछ नहीं, चार बातें और सुना देंगे, मलंगा हो रहा है करके नहीं खा सकता, ये है वो है। दूसरी कली में कवि ने क्या बताया सुनिए। जोड़ समझावे वो पतिव्रता पीर नहीं जो धक्के मार भगावे, मिल जा बुरा श्राप आत्मा साधु की दुख पावे, साधु की दुख पावे, करनी करके पछतावे फिर, करनी करके लेखन सरपंच जी 2100 रुपए मंदिर में और 500 रुपए भाई नरदेव बेनीवाल की पार्टी को इनाम देते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बताया, ये कहते हैं कि भाई बहू पढ़ी लिखी चाहिए, अनपढ़ बहू से कोई राजी नहीं, लेकिन पहले जमाने की अनपढ़ औरतें आजकल की पढ़ी लिखियों से बहुत ज्यादा अच्छी थी। वही 4 बजे उठना, घर का काम करना, धंधा करना, सबको खाना खिला के बाद में खाना खुद खाती थी। लेकिन आजकल सबसे पहले ही बैठ जाएगी अगर भूख लगेगी तो, है ना। 4 बजे उठा दिया तो घर में लड़ाई है, नींद पूरी होती नहीं है, 4 बजे उठा के रख देते हैं, गंवार लोग हैं ये कह देती है आजकल की। तीसरी कली में क्या क्या गुण बताए हैं। माता बहनाई यहाँ 4-6 तो चलो आई गई है, धीरे धीरे और भी आ जाएंगी। तुम 5-6 औरत बैठी हो, सच सच बताना ईमानदारी से, कसम है भगवान जी के, तुम में से कोई सी ऐसी है जो अपनी सासू के सुबह शाम पैर दबा देती हो? हाथ हिला दिया, ऐसे कर दिया ऐसे। ये तो मैडम मनोज जी, ये तो 4-6 बैठी हैं, ऐसी तो गांव में ढूंढने से एक आध मिलेगी, क्यों सरपंच साहब? भाई कलयुग है, कलयुग का असर है ये। अरे हमारे बाबूजी की मामी भी बैठी हुई है यहाँ, एक बार पूछ ले उन्हें भी। सब कोई पूछ लिया, मैंने हाथ ही नहीं उठाया किसी ने। सुनिएगा तीसरी कली में क्या। Super.
निर्भरता कहलावे लख धर्म राज बिहारे जितने गुण क्रिया में चाहिए सुन लो न्यारे न्यारे जितने गुण क्रिया में चाहिए सब सुन लो न्यारे न्यारे से सुन रहे हैं जी, वे एक बार मुझे हाथ उठा के बताइए कि रागनी के शब्द आपकी समझ में तो आ रहे हैं जी? आ रहे हैं माता बहनों की में आ रहे हैं? फिर ठीक है, समझ में ही आ जाना चाहिए क्योंकि रागनी में शब्द की ही प्रधानता होती है। लास्ट कली में सुनिए क्या बताया। जोरदार।